Should I start taking people in? Okay, best of luck, all of us. Take care. And we are live also. Charmi, you're live. Thank you. Charmi, you are live. Okay, should I start? Yes, please. Thank you. Okay. So, good morning, everyone. Thank you so much for joining. And today we will be talking about mutual fund. So, you think you know everything about mutual fund? If your answer is yes, तो आपके लिए सेशन नहीं है और अगर आपको लगता है नहीं आपको कुछ नहीं पता है तो आई अश्योर यू यू विल लर्न अबाउट एन अमेजिंग प्रोडक्ट टुडे जो मतलब बेसिकली सबको क्या चाहिए होता है कि रिस्क थोड़ा कम हो और रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो ठीक है रिटर्न्स थोड़े ज्यादा मिले कम रिस्क पे तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वी हैव फॉर यू ऑल तो एंड तक रहना बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे सो विदाउट फर्दर अडू विल स्टार्ट Am I properly audible? Just yes, no, chat box में डाल दो तो मुझे पता चलेगा. राजलक्ष्मी मैम, चेतन सर, am I audible? Yes, you are. Thank you, thank you. Okay. So, first, yes. सो वाई म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है म्यूचुअल फंड मतलब कि हम आप हमारे जैसे जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास से पैसा पुल करेगा सपोज मैंने थोड़े पैसे डाले थोड़े राजलक्ष्मी मैम ने डाले थोड़े गौतम सर ने डाले सबके पैसे पुल करके इट विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस दैट इज वॉट म्यूचुअल फंड डस तो ये अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्ट करना ये सब जो डिसाइड करता है दैट इज द पर्सन इज कॉल्ड फंड मैनेजर तो क्या होता है सबसे बड़ा जो फीचर जो सबसे अमेजिंग एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट जैसे कि हमें नहीं पता कि कभी एंट्री करना चाहिए कितना इक्विटी मतलब कितना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है कितना डेट में इन्वेस्ट करना है फिर कितना कौन से राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना है कौन से राइट टाइम पे एग्जिट करना है ये सब हमें नहीं पता हमारे लिए जितने भी क्वेश्चन मार्क है इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वो सारे के आंसर वो फंड मैनेजर के पास है राइट सो अगर हमारे पास टाइम नहीं है रिसोर्सेज नहीं है रिसर्च करने का हमारे पास टाइम नहीं है कि ये सब पता लगे ना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये सब चीज का जो सोल्यूशन है दैट इज फंड मैनेजर सो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स योर फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट जो आपके बिहाफ पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा राइट अलोकेट करेगा अलग अलग असेट क्लासेस मतलब कि गोल्ड हो गया रियल एस्टेट हो गया अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा ठीक है दैट इज व्हाट फंड मैनेजर डज सो यू गेट फंड मैनेजर सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड देन अफोर्डेबिलिटी कोई मुझे बोल सकता है कि एफडी का मिनिमम अमाउंट क्या इन्वेस्ट करने का इफ यू नो कोई अगर मुझे बता दे एफडी का मिनिमम अमाउंट क्या है 5000 ओके तो और बॉन्ड्स का कितना मिनिमम राइट सो अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वो तो लाखों में बच जाती है तो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 500 रुपए में तो नहीं देगा ना आपको म्यूचुअल फंड आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एक न्यू भी हो सपोज जॉब कर रहे हो एकदम न्यू जॉब स्टार्ट किया है पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हो आपका 5000 सैलरी उसका भी 10% 500 रुपए से आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो सो इतना अफोर्डेबल है 500 से लेके आप फिर आसमान तक अमाउंट है कितने भी अमाउंट के SIP कर सकते हो 5000 से स्टार्ट कर सकते हो 500 से स्टार्ट कर सकते हो सो इट इज वेरी अफोर्डेबल देन लिक्विडिटी मतलब कि सब लोग ने ना ऐसा सुना है कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो लोगों को लगता है कि ये लॉक इन हो गया मतलब कि 5 साल तो पहले तुम निकाल नहीं पाओगे
तो इट इज एडवाइजेबल कि आपको 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके होल्ड करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि कोई लॉक इन है, उससे पहले आप निकाल नहीं पाओगे. इफ यू वांट टू रिडीम योर म्यूचुअल फंड विद इन अ ईयर और विद इन 2 ईयर्स तो वो भी कर सकते हो आप, पर जस्ट उसमें क्या होता है कि आप अगर अभी रिडीम के लिए डाल रहे हो तो 7 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बस यही है. ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल के पहले आपके यूनिट्स फ्री नहीं होंगे, नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो लिक्विडिटी भी है, 7 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है वंस यू रिडीम योर म्यूचुअल फंड. ठीक है, देन डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली, वन सेकेंड, हाँ सो बेसिकली ये सारे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है सबको पता रहेगी. फॉरेक्स में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, मतलब कि अमेजोन, फेसबुक, वो सब में सबको इन्वेस्ट करना रहता है, आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करना रहता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना रहता है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना रहता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना रहता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है, सबको करना है ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट. पर उसके लिए इतना कैपिटल चाहिए होता है, उतनी एक्सपर्टीज चाहिए होती है. पर ये म्यूचुअल फंड आपको वो जो 500 रुपये, 1000 रुपये जितने का भी SIP स्टार्ट करते हो उसे ये सब जगह पे अब बेनिफिट देता है, ये सब इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देता है. सो बेसिकली सॉरी, हाँ तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में क्या होती है, अलग अलग स्कीम्स होती है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे. पर म्यूचुअल फंड में सपोज कोई स्कीम है जो इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि आपने अगर 1000 रुपये डाले तो थोड़ा वो इक्विटी में डालेगा, थोड़ा डेट में डालेगा, तो एक तीर से आपका दो निशान हो रहा है, दोनों चीज का आपको बेनिफिट मिल रहा है. कुछ म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट एंड रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है, तो ये तीनों एक तीर से तीन निशान मार रहे हो, रियल एस्टेट का भी बेनिफिट मिल रहा है आपको, डेट का भी बेनिफिट मिल रहा है और इक्विटी का भी बेनिफिट मिल रहा है. और कितना किस में इन्वेस्ट करना है उसके लिए अपने पास कौन है, एक्सपर्ट है. यू डोंट नीड टू डिसाइड कि कितना किस में जाएगा, क्या होगा, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट अ स्कीम एंड देन वो पूरा मैनेज करेगा अपना जो एक्सपर्ट है वो, एंड यू कैन स्टार्ट विथ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट. सो दिस इज वाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. Now, this chart, ये जो पूरा अमाउंट्स में जो बोलूंगी that is in trillions, dollars में है. तो basically क्या है कि US में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बेसिकली कितना AUM है US का, that is 23.90 trillion. ठीक है, चाइना में कितना है, 3.60 trillion, इंडिया में कितना है, 0.50. ठीक है, बहुत कम है अभी, और पहले 10 साल के पहले इससे भी ज्यादा कम था. अभी अवेयरनेस आया है, इतना एडवर्टीजमेंट हो रहा है ये चीज का करके 0.50 तक पहुंचा है. राइट, पहले लोगों को पता नहीं था, म्यूचुअल फंड से बहुत डरते थे, एंड अभी जो वही लोग जो डरते थे पहले वो अभी फोमो फील कर रहे कि भाई वहां तभी क्यों नहीं स्टार्ट किया. बिकॉज म्यूचुअल फंड अभी, इवन इफ वी आर नॉट टेलिंग आवर क्लाइंट्स के भाई इन्वेस्ट करो ये राइट चीज है, तो भी वो लोग सामने से इन्वेस्ट करना चाहते, क्यों, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गया है अभी. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जो पीछे सुना उससे आप लोग को भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना रहेगा. सो आगे जाके फोमो फिल करने से अच्छा आप अभी ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो. अभी भले 0.50 trillion है, पर आगे जाके इसका AUM का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत है. अभी पेनिट्रेशन कम है, दैट इज वाई आगे ग्रोथ का चांसेस बहुत है इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बढ़ने का. अभी चलो ये तो पता चल गया कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बट देर आर सो मेनी स्कीम्स, 6,000+ म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, तो कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी तो बड़ा सवाल है. राइट, तो अगर आप कंफ्यूज हो, आई सिंप्लीफाई फॉर यू. यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, वन बाय वन ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड के नाम है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू यू, ये हम लोग की स्टडी एंड एनालिसिस से हम लोग को ये जो पास्ट में 5-10 साल से जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है उसके नाम है. तो विल स्टार्ट विथ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. ये क्या होता है, आप कोई भी कंपनीज के बारे में पता रहेगा, आप शेयर मार्केट अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे तो भी कुछ कंपनीज का नाम पता रहेगा, तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, एनी कंपनीज, या फिर अनम्यूट करके बोल दो. Any name of the companies that you know? Tata. Thank you, ma'am. और कितनी सारी famous companies है, सबको पता रहेगी. Reliance. ICICI, Mahindra, Infosys, Pujasha, thank you so much.
ये जो सब कंपनीज है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड रहती है। एक होती है लार्ज कैप, तो होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप मतलब क्या, जो फेमस एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है जो आपको पता रहेगी, जैसे कि रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, यस उषा राव, थैंक यू सो मच, इंफोसिस, महिंद्रा महिंद्रा, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो काफी सालों से है, जिसके चांसेस ऐसा नहीं कि कल के कल डूब जाएगी, जिसके बिजनेस अच्छा है, ऑल दोज कंपनीज आर कैटेगराइज, मतलब कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो एस्टैब्लिश कंपनीज है वो कंपनीज में ये जो स्कीम है इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप या फिर जितने भी लार्ज कैप स्कीम्स हैं वो सब वो कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। मतलब आपने पैसा दिया एंड इट विल इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज। सो दैट इज इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप जो हम लोग ने देखा है, हु हैज व्हिच हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। देन मिड कैप जो एस्टैब्लिश नहीं है एकदम, पर एकदम अननोन कंपनी भी नहीं है, आपको पता रहेगा कुछ कंपनीज का नाम, जैसे कि दीपक नाइट्रेट आपको पता रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस के लेवल पे है, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम अननोन है, लोगों को पता है ये कंपनी के बारे में, तो वो सब आ जाती है मिड कैप कंपनीज के अंडर। तो अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड या फिर कोई भी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो ये सब कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, देन आता है स्मॉल कैप। ये ऐसी कंपनीज है जो कभी ना कभी जाके फ्यूचर में लार्ज कैप बनने का चांसेस है। ठीक है, मतलब कि अभी ये कंपनीज में भी अननोन रहेगी, आपको नाम भी नहीं पता रहेगा ये कंपनी का, ये कंपनी के चांसेस है, इसका प्रोडक्ट ऐसा है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे है, ये कंपनी का ग्रोथ के चांसेस ऐसे कि ये कभी ना कभी लार्ज कैप होगा। तो इसमें अभी क्या है, ये तो सब चांस का गेम है, राइट? किस अभी सपोज मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी लार्ज कैप होगी और नहीं भी हो, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, पर अगर वो लार्ज कैप हो गई तो ग्रोथ कितना हुआ, राइट? तो उसकी वजह से रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। तो दैट इज व्हाट स्मॉल कैप फंड डस, कि ये जो छोटी छोटी कंपनीज रहती है वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करती है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है ग्रो करने के, तो वहां पे इन्वेस्ट करती है। जैसे कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इट विल इन्वेस्ट इन द कंपनीज विच आर स्मॉल कंपनीज विच हैज चांसेस टू बिकम लार्ज कैप सम डे। ओके, सो देन कम्स फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप मतलब क्या कि ऐसा ये फ्री बर्ड समझ लो, ये इसका एक कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करता, ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में करेगा, सिर्फ मिड कैप में करेगा या सिर्फ स्मॉल कैप में करेगा। इट कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दोज कैप, थोड़े थोड़े अमाउंट में कर सकता है, थोड़ा लार्ज कैप में कर दिया, थोड़ा मिड कैप में कर दिया, थोड़ा स्मॉल कैप में कर दिया, तो वो ऐसा उसका बैलेंस बना के तीनों में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए है एक्सी फ्लेक्सी कैप फंड जो हम लोग ने देखा है कि पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड देयर इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड क्या करता है, डेट के बारे में बात की हम लोग ने, डेट मतलब बॉन्ड्स वगैरह हो गया, तो डेट एंड इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है। तो यूजुअली 65-35 का रेशियो रहता है, 65% इन इक्विटी एंड 35% इनटू डेट। तो उसके लिए हम लोग ने पास में देखा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। तो ऐसे अगर आप कोई भी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो क्या करेगा, आपका थोड़ा इक्विटी में डालेगा एंड थोड़ा डेट में डालेगा। एंड देन कम्स ईएलएसएस। ये आई गेस सब लोगों का फेवरेट फंड है, बिकॉज ईएलएसएस इज बेसिकली क्या करता है, मार्च महीने में सब लोग बहुत बिजी होते हैं, मैंने सुना है, रीजन बिंग के तभी साल में जितना भी कमाया है उसका हम लोग को टैक्स पे करना रहता है, राइट? सब लोग देखते रहते हैं भाई कैसे टैक्स सेव करूँ, कैसे टैक्स सेव करूँ, तो उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहते हैं, आपको पता रहेगा, कुछ इंश्योरेंस हो गया, फिर अपना पीपीएफ हो गया, पर उसका लॉक इन कितना है, किसी को पता है पीपीएफ का लॉक इन कितना है, लॉक इन पीरियड कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टैक्स डिडक्शन के लिए, पीपीएफ का लॉक इन पता है किसी को? आई थिंक 10। ओके पूजा मैम, 15 years, Usha ma'am, yes, 8, 15, 20, okay, so basically PPF का 15 years का lock-in है, insurance का कितना है, अगर आप life insurance या ULIP वगैरह में डालते हो तो उसका कितना lock-in? Five years, right, so basically म्यूचुअल फंड एक ऐसी एक ही प्रोडक्ट है जिसका लॉक इन सिर्फ कितना है, 3 साल है, और कितना टैक्स बचता है आपको, कितना एग्जेम्प्ट मिलता है आपको अंडर 80C, 1,50,000 का, बाकी सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका 15 साल का लॉक इन है, 15 years कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर OPF। ओके, सो 15 साल का लॉक इन होता है या फिर 5 साल का लॉक इन होता है, 3 साल के लॉक इन में आपको
ये म्यूचुअल फंड एक ही है जो 1,50,000 का एग्जेम्पशन देता है. टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एक ही ऐसी चीज है जो आपको 1,50,000 का एग्जेम्पशन देगा अंडर ATC एंड सिर्फ 3 साल का लॉक इन है. ठीक है, तो ये सारे फंड्स थे जो यूजुअली हम सब इन्वेस्ट करते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से एक्साइटेड उसके लिए इतना रश कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट मोर एम्फोसिस ऑन दिस थिंग. ठीक है, तो ये चार्ट आपने हर जगह पे देखा रहेगा. वॉट इज दिस? दिस इज सिंपली अपना मार्केट निफ्टी सेंसेक्स, जो पता है इक्विटी शेयर मार्केट पता अपन को वो है. क्या करता है शेयर मार्केट, कैसे चलता है? बढ़ता है, गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है. ऐसे ही मार्केट का मूलभूत स्वभाव यही है, बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा. तो अगर कुछ ऐसी चीज हो, ठीक है, जो जब मार्केट नीचे है तभी आपका पैसा, मतलब कि अगर सपोज कोई चीज 100 रुपए की है वो 20 रुपए में मिल रही है, तो वो टाइम पे वो बहुत सारा आपका इन्वेस्ट कर दे पैसा. ठीक है, एंड जब मार्केट टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है और चांसेस है कि अभी मार्केट गिर जाएगा, वो टाइम पे वो आपका प्रॉफिट बुक कर दे. वो जो 20 रुपए में लिया हुआ चीज है वो सपोज 100 रुपीज 200 रुपीज हो गया और अभी चांसेस है कि वो डाउन आ जाएगा, तो वो टाइम पे आपका पैसा जो प्रॉफिट हुआ है वो बुक कर दे. एंड वापस जब भी मार्केट नीचे आके वापस बढ़ने का स्टार्ट कर रहा है वो टाइम पे वापस इन्वेस्ट कर दे. ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो अपने पास तो वो बढ़िया होगा कि नहीं, जो राइट टाइम पे आपका इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे आपका रिस्क कम हो रहा है. ऐसा कुछ होगा तो मजा आएगा कि नहीं? यस नो, सिर्फ यस नो डाल दो चैट बॉक्स में. ऐसा कुछ प्रोडक्ट? यस, पूजा मैम इज सेइंग यस. Money matters. Sorry, saying yes. Okay. Kailash Goyal is saying yes. Usha ma'am is saying yes. Arshia is saying yes. Thank you, thank you. So, basically, हमारे पास एक product है. वो क्या करता है? वो दो जगह पे invest करता है. एक हो गया equity, एक हो गया debt. ठीक है? तो अगर जब भी market नीचे है, जब भी market fall किया है, suppose ये point पे है market, तभी वो क्या करेगा? कि वो इक्विटी में हेविली इन्वेस्ट करेगा. आपका जब भी सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट, आपको इन्वेस्टमेंट सस्ती मिल रही है तभी वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा. और जैसे ही मार्केट बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेच हो गया है, अगर वो सिस्टम को लग रहा है, एक सिस्टम हमारे पास जो आइडेंटिफाई करता है, अगर उसको लग रहा है कि अभी मार्केट बहुत स्ट्रेच हो गया, अभी चांसेस है कि यहाँ से गिर जाएगा मार्केट, तो वो क्या करेगा कि आपका इक्विटी से पैसे निकाल के वो डेट में डाल देगा, डेट फंड सेफर साइड पे चला जाएगा. एंड देन जैसे ही मार्केट फॉल हो जाता है, अगर सपोज फॉल होता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके वो शिफ्ट करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा इक्विटी से निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करके आपका सेफर साइड पे चला गया. इन केस वापस मार्केट गिरता है और फिर वापस बढ़ने की स्टार्ट होती है, तभी वो क्या करेगा, वो सिस्टम को जैसे पता चलता है कि भाई इधर से मार्केट वापस बढ़ने के चांसेस है, तो डेट में से आपका पैसा निकाल के वापस इक्विटी में इन्वेस्ट कर देगा. सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सिस्टम. क्या करता है, ये आपको पोर्टफोलियो को बार बार रीबैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डायनामिक्स. ये एक सिस्टम है जो आइडेंटिफाई करता है व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन डेट, व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, हाउ मच परसेंट शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, हाउ मच परसेंट शुड बी इन्वेस्टेड इन डेट. ये आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता रहेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ फंड्स, तीनों रिस्क प्रोफाइल के लिए, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो. ठीक है, अगर आप बोलते हो कि भाई मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल, इवन इफ यू आर कंजर्वेटिव, ये फंड के थ्रू आप जितना रिस्क ले रहे हो वो जो नॉर्मल हम लोग ने पीछे जो फंड्स के बारे में बात की उससे भी कम आपका रिस्क कर देगा, अगर इफ यू आर अप्लाइंग दिस सिस्टम टू द फंड, राइट. फिर अगर आप बोल रहे हो कि आप मॉडरेट रिस्क से करो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, एकदम थोड़ा बहुत रिस्क भी नहीं ले सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो, आप बीच में कहीं पे आते हो, तो भी ये फंड आपको क्या करेगा कि सपोज आपका इक्विटी में 60% इन्वेस्ट किया है, डेट में 40% किया है, तो उसको वो मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से ये करते रहेगा, बैलेंस करते रहेगा. एंड इफ यू आर अग्रेसिव रिस्क टेकर, मतलब कि अग्रेसिव मतलब कि 100% आपका इक्विटी में है,
तो भी अगर मार्केट स्ट्रेच हुआ है, तो भी अगर इवन इफ यू आर अग्रेसिव इन्वेस्टर, यू आर सेइंग कि मेरे को रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, तो भी ये फंड को अगर ये सिस्टम को लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल करने के चांसेस है, तो वो आपका प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत तो आपका सेव कर ही देगी इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो दैट इज वॉट दिस सिस्टम डज, इट रीबैलेंसेज योर पोर्टफोलियो सो दैट योर रिस्क इज रिड्यूस्ड. एंड एटलीस्ट जो वो जो सब फंड्स के बारे में हम लोग ने बात की, इन्वेस्टको, एक्सिस, वो सब फंड्स के बारे में बात की, वो आपको मिनिमम समझ लो अगर 15% CAGR दे रहा है, तो ये फंड्स भी ये सिस्टम के थ्रू भी आप इतना तो अर्न कर ही लोगे, एंड ओवर एंड अबाउट इससे ज्यादा अर्न कर सकते हो. पर मेन थिंग क्या हो रही है, आपका रिस्क रिड्यूस हो रहा है बिकॉज राइट टाइम के टाइम पे आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो रहा है. सो दैट इज वॉट सॉरी दिस सिस्टम डज, म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम डज. ओके, नाउ हाउ मच इज टू मच, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे, वो राइट अमाउंट होनी चाहिए ना, कुछ ऐसी तो नहीं कर सकते. So to give you answer of this question, I think right person would be our co-founder Gautam Karnik. So over to you, sir. And agar maine koi bhi point miss kar diya hai, and if you wish to add anything to the previous slide, please add. Thank you so much. Charmi, thank you so much. You made it very simple and crisp. I hope everyone who is in the webinar has liked it. Charmi, I'll still help. Need your help with the slide changes so that I can explain the next concept. Can you go to the next slide, please? Yes. So, सभी के मन में सवाल होता है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. Now, typically, there are many answers to this question, but I mean, I want to address someone जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है. I also want to address someone who has done investments in the past, and आगे जाके how should you take this? I mean, how should you look at mutual funds? But just to give you and show you the power of what a mutual fund saving can do for you. So this is an example which we'll just, I mean, if you just look at it, hum ye kehna chahte hain ki agar aap, even if you start saving, let's say as less as 5,000 rupees through SIP. Now, for those of you jo nahi jante SIP kya hai, SIP is a systematic investment plan. It is a method by which आप हम मतलब वी हेल्प यू डिसाइड कौन से फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, एंड द मनी गेट्स डिडक्टेड एवरी मंथ फ्रॉम योर अकाउंट. आइडियली व्हेन एवरीवन इन्वेस्ट्स इन म्यूचुअल फंड, देयर आर सम ग्राउंड रूल्स. हम सभी को बोलते हैं कि हैव एटलीस्ट अ होराइजन ऑफ 10 टू 15 इयर्स प्लस. अगेन एज चार्मी मेंशन द बिगिनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा लॉक होगा या मतलब ब्लॉक हो जाएगा. But it's a habit, it's a discipline that that every investment product carries, which I want to share. So that's why we're just giving an example. कि अगर आप एक basic 10 साल के horizon से invest अगर करते हैं in mutual fund, so and if the fund grows by 12%, trust me, you would have invested just 6 lakhs and you would have made nearly double. I mean, I'm being very conservative here, moderately conservative here, by calculating a returns of 12%, you will be able to make around 12 lakhs. That will be the amount of money you will generate. Now look at the power of saving. If you increase, agar aap sirf har saal aapki investment, now obviously everyone would definitely get a salary raise or is able to save more. ये जो भी आप कर रहे हो आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हो, सो जो पैसा है वो आपका है. दिस इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट्स वॉट वी फील, बिकॉज FD के रेट्स बहुत नीचे जा रहे हैं, एंड म्यूचुअल फंड के लोगों के मन में एक डर है. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डोंट बी स्केयर्ड, लुक एट अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इन्वेस्ट. नाउ इफ यू जस्ट एड 1,000 एवरी ईयर to your investment, the amount suddenly becomes nearly 19.25 lakhs. Now, I mean, 19 lakhs 25,000. That is the power of just increasing some small investment. Or thoda sa saving ko agar aap stretch kar sakte hain discipline ke saath har saal, every year, in 10 years, jahan pe aap, it's your choice. So agar aap static sochte ki nahi, main to 5,000 hi karunga, it's okay, you are still
able to generate double than what you have invested, nearly double. And if you increase your investment just 1/1000, now imagine ki जो सेकेंड 1000 आप करोगे वो 9 साल के लिए होगा, थर्ड 8 साल के लिए. तो ड्यूरेशन कम होने के बावजूद भी आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है. सो यू आर नियरली सेविंग अराउंड 11,40,000, बट यू आर एबल टू जनरेट नियरली 20 लैक्स. आई मीन दैट्स द पोटेंशियल दैट वी सी. चार्मी, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? आई बी मोर देन ग्लैड टू टेक. दिस इज मोर अबाउट कैलकुलेशन एंड मोर अबाउट पुटिंग अ हैबिट इन योर माइंड. So that's what we wanted to tell you. This has actually happened. I mean, these are examples which we've been in the industry for the last 14 years. I definitely have clients who have invested with us for the last 10 years. And yes, some clients jinhone utna invest kiya today are telling me, "Arey yaar, why didn't you tell me ki thoda zyada bhi main kar sakta tha?" So maine bola ki aaj jo shuruaat kar rahe hain, they should not come and tell me this in the future. That's why I thought of giving you this example. So Charmi, can you go to the next slide, please? Yeah, I mean, Jim Rohn has, this is what I was telling you, that discipline is a bridge between your goal and accomplishment. So mutual fund investing ko, the best approach is, dekhiye, I know when you're new, okay, Pooja, I'll definitely answer that question. So I'll just give you how you should think when you're starting with mutual fund investing. So obviously when you're new, I speak to a lot of youngsters where I get ki salary aa rahi achhi khasi, and they're starting to think about the new phone that they want to buy or the new laptop or a new bike or whatever. I'm just saying that, and they may not have long-term goals, which is very, very understandable. So in that case, main chahta hun that they at least start with at least 10 to 20% of whatever they're earning, that should go in mutual fund. Obviously, as the days progress, as the years progress, we as Money Matters handhold you. Hum aapke saath har 3-4 mahine mein baat karenge to understand ki are you comfortable with mutual funds now. The progression, matlab, the idea is that it should go from saving 10 to 20% to aage jaake linking that investment with a goal. It can either be probably a retirement goal, which is, trust me, among a lot of youngsters is not thought. I have very few people who really want to think about planning for their retirement. But so that's something which you can look at. ठीक है, 10 साल के बाद, now you started earning, तो 10 साल के बाद probably एक बड़ा घर लेने का सपना, हर एक को एक घर लेना है. तो एक घर लेने के लिए, एक डाउन पेमेंट के लिए आपको 20-25 लाख जमा करने की जरूरत है. इट मे साउंड वेरी इम्पॉसिबल, बट सी इफ विद दैट एग्जांपल आई गेव यू, इवन इफ यू स्टार्ट बाय 5000 एंड ऐड 1/1000 ईच, यू आर एबल टू रीच एटलीस्ट 19-20 लाख. नाउ इफ यू गो विद अ गोल कि मुझे 25 लाख सेव करने हैं, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट. टू आंसर पूजा योर क्वेश्चन, trust me, if you look for any investment option for the shorter duration, it's, I mean, specifically mutual fund that we're talking about, they definitely may not be safe because we are investing in the stock market. So definitely there is going to be a risk involved. But if you are able to invest for the longer duration, let's say an investment horizon of 5 years and plus, and obviously through an advisor, with the help of an advisor, we'll always there to help you. Now main agar banks ka bhi kehne jaun to in recent times banks have also not been very safe. Ms. Shah, you must have seen situations with banks like PMC and many other banks coming into problem. Now one more thing that I want to highlight, theek hai, that's a risk that is always there. So banks, investing in bank is also a risk, please understand. If you are an account student, if no one is, I mean, just for your knowledge, when you invest in a bank FD, it is an unsecured loan. The bank treats that as an unsecured loan. So bhagwan na kare kal koi banko ko ho jata hai, I mean, it's an unsecured loan for them, so it's always going to be at risk. So but the great thing about mutual fund is that
दे आर सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट, दे आर मेंट टू बी ट्रांसपेरेंट. मतलब आपका जो भी पैसा जहां भी इन्वेस्ट हो रहा है, लाइक इफ यू पुट अ एफडी इन अ बैंक ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपीज, नाउ यू विल नॉट नो कि वो पैसा कहाँ गया. दे विल टेल यू हाँ हम ये पैसा लोन को देंगे, पर किसको लोन को दिया, किस आदमी के पास वो पैसा गया है आपका, दैट यू विल नेवर कम टू नो. बट द ग्रेट थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड इज दैट यू गेट टू नो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है. नाउ इफ यू रिमेंबर कपल ऑफ स्लाइड इन द बैक वी वर टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड. नाउ वो क्यों दिया है, वेन एवर अ म्यूचुअल फंड कंपनी कम्स आउट विद अ स्कीम, इट हैज टू टेल द रेगुलेटर द सेबी एंड एक्सचेंज कि वो क्या करने वाला है इस पैसे का, कहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट करने वाला है. दे जस्ट कांट, मतलब पैसा आ गया मेरे मन मन के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट कर लिया. नो दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट प्रॉपरली. एग्जैक्टली. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. या फॉर एवरी वन हु डज नॉट नो, पूजा शाह हैज कम आउट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. L&T म्यूचुअल फंड हाउस इज इन अ प्रोसेस नाउ, दैट्स अ न्यूज विच वी ओनली शेयर्ड विद आर लॉट ऑफ आर इन्वेस्टर्स, इज इन अ प्रोसेस ऑफ shutting down their mutual fund business. Now there's a difference between a bank shutting down and a mutual fund shutting down. Ek simple bata deta hu, jab bank band ho raha hai ya bank ka problem hota hai, then your money gets locked. Here when this news came out, in fact last year there was a problem with Franklin mutual fund also. But understand this, that when L&T, if L&T shuts down their mutual fund business, as per the law and regulation, it has to transfer that mutual fund business to some other company. So that's what typically happens. So in the past, Fidelity naam ki company thi, Fidelity Mutual Fund. When they were shutting shop, they could not just shut shop. That time L&T went and took over the business. So yeah, in that case, if you have to compare, so very clear statement is yes, mutual fund, your money is much safer. Risk is market shares. अगर नीचे आएंगे तो थोड़ा नीचे आने की संभावना है. But if you map your investments for a longer duration, which is 5 years and above, and the best option, कि आप अगर आपके goal के साथ उस investment को link करोगे, and third option is if you do it with the help of an advisor, it will be great. That's it. Charmi, can you go to the next slide? Yeah, so I mean, if this is what I always tell a lot of people who meet me, if you have not yet started your mutual fund journey, you're at zero right now, and please start today. We can help you address the question ki kitne se shuruaat karni hai. Agar aap mutual fund mein invest kar rahe ho, par abhi aapne aapki investment ko goal ke saath kahi link nahi kiya hai, then we'll help you with that also. It is a very nice process where aapki saving ya aapke mutual fund ki SIP ko hum link karenge aapke goal ke saath. So let's say a typical family with a child, तो द हस्बैंड और द वाइफ, हूएवर इज प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, कुछ सेविंग आपके रिटायरमेंट के लिए, कुछ आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, कुछ आपके बच्चे के शादी के लिए, वॉट एवर मे बी द गोल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अ गोल इन फ्रंट ऑफ योर माइंड. वॉट एवर मे बी द गोल, वी विल हेल्प यू विद द एक्सरसाइज ऑफ हाउ अ गोल कैन बी क्रिएटेड. एंड फिर आप अगर बोलते हैं कि 10,000 की SIP मुझे करनी है, तो उसमें से कितना रिटायरमेंट के लिए हमें मैप करना है, कितना बच्चे के शादी के लिए मैप करना है. सो दैट्स व्हाट विल हेल्प यू. या पूजा, विल बी मोर देन ग्लैड टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड रेकमेंड यू द बेस्ट वंस. बट एज आई सेड, वी विल डेफिनेटली डू इट ऑन अ 1-to-1 बेसिस, एंड वी कैन एड्रेस योर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव. बट बियॉन्ड अ पॉइंट, इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी मीट 1-to-1 and we discuss this. Usha ma'am, I thank you so much that you are here. If you have any queries, we will send you a recording of this webinar, and you can also call us and we can address all your queries. Thank you so much. Next slide, please. Yeah, so
I've been addressing questions in here. If there is anything else that that is coming or that is in your mind, please feel free to ask. The floor is open for any questions for me, Amol, Charmi. We are the team at Money Matters and we'll help you address any question that you may have. Gautam, we had a question by Arshia about, you can see it in chat box. Okay, sorry, I missed it. You want to take that up, Amol? Okay. So basically, Arshia, you see income coming in Diwali. Yes, definitely. There are people who are in business and who have a seasonal income. There are people in business or salaried people who get their bonus or company appraisals probably and a lump sum money that comes to them in Diwali or in certain months. So definitely in mutual funds, the best part is you can do lump sum investments. As Gautam mentioned, SIP is one way where you can put in monthly investments. But if you have lump sum money coming to you, we have a systematic transfer plan, which we recommend to our clients. In systematic transfer plans, the process is very simple. You don't park all your money at one go into equity. आज अगर आप मार्केट्स देखो तो आज मार्केट्स बहुत ऊपर गया है और थोड़ा करेक्शंस आने की उम्मीद है. तो व्हाट वी रेकमेंड टू आवर क्लाइंट्स इज यू पार्क योर मनी लमसम मनी इन लिक्विड फंड्स और इन डेट फंड्स और वहां से हम लोग सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी सिस्टमैटिकली एवरी मंथ द मनी इज शिफ्टेड टू इक्विटी फंड्स. सो यू आर नॉट ब्लॉकिंग योर मनी एट वन लेवल. मतलब आज मार्केट्स निफ्टी आज 18,000 के लेवल पे है, देन यू आर नॉट ब्लॉकिंग योर मनी एट दैट लेवल पुटिंग एवरीथिंग इन टू इक्विटी. You put your money into debt funds or liquid funds और वहां से हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसे इक्विटी में ट्रांसफर करें. So that is one good way to look at in mutual funds, systematic transfer form या STP जिसको हम बोलते हैं. I hope that answers your question. Ashwin sir has a question Amol. Pooja had a question, can we do a SIP in Mars, Gautam? Yeah, you can definitely do an SIP in Mars. Mars, the best option about Mars is first, there's a process. I mean, if you come to the office, we can do a one-to-one understanding of your risk profile. As you see, Mars has three risk profiles. So so we can do a risk profile for you first. Understand ki what is, are you an aggressive person or a moderately aggressive person or a conservative person? Based on that, the SIP can happen. Not a problem. To answer Ashwin sir's question, okay, how does mutual fund compare with annuity plan? So basically, annuity plan is like a pension plan, as we know, where whatever income comes to you, you need to park a lump sum money in that annuity plan, and whatever money comes to you on a monthly basis, that is taxable, that is completely taxable. So in annuity plan, the money is taxed as per your tax slab, where as in case of mutual funds or the SWP, systematic withdrawal plan, where the money is parked in lump sum and you do a systematic withdrawal every month. If you have parked your money in an equity plan, the money will be taxed as per long-term or short-term capital gain. If the money is there for more than a year, whatever withdrawals you do, it will be taxed as long-term capital gains at 10%. Or if you are withdrawing before a year, it will be taxed as a short-term capital gain at the rate of 15%. So in any case, mutual fund is definitely better than annuity plans. Annuity plans ka dusra major disadvantages are the returns are only anywhere in the range of 5 to 5.5% right now. Any annuity plan in the market, you look at it, 5% or 6%, not more than 6%, it is taxable, completely taxable. But in case of mutual fund, you get the benefit of long-term capital gain or short-term capital gain. Systematic withdrawal plan, the best part is you can decide how much you want to withdraw. Aaj aapko 6% return ki zarurat hai, so 0.5% every month you can withdraw. Aaj aapko zarurat nahi hai, then you can stop it. Annuity plan mein, once you have decided, you will get that monthly withdrawal every month if you have decided for that. So if you compare, definitely I would recommend mutual fund has a upper edge on an annuity plan as on date. Another important thing with terms of taxation, mutual funds, equity mutual funds ke case mein up to 1 lakh rupees, there is no taxation.
So up to 1 lakh rupees of capital gains, there is no taxation. Again, that is one more benefit. So definitely mutual fund scores much more than an annuity plan, if you ask me, sir. I hope that answers your question. Ashwin sir, there are a couple of more benefits which I think if we meet on a one-to-one basis, we'll be able to talk about it because they're very specific oriented. I mean, whatever Amol has said is pretty much, that's definitely there. Amol, Ashwin sir is raising his hand. Ashwin sir, please unmute yourself. If you have any question, please ask. No problem here. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, so fine. There was one of my policies maturing and the people had come from the company saying that, sir, this money that you're getting, why don't you convert into an annuity plan? So that is one of my, I had a query on that, right? And they were also saying that with the same kind of, so the same company had other two, three policies. So they said you just combine everything and then you take an annuity plan. So I was not very sure on that, so that's why I asked. Okay. And I am in conversation with Gautam on and off. I'm in conversation with Amol on and off. Okay, beg your pardon, Amol. I'm extremely sorry. Give it to a Sunday morning haze. I will consult. Sure. Final call, and you guys are anytime welcome to give me a buzz and talk about it overall weekend. So that's thank you, and thanks for your guidance and help every time. Thank you. Actually, there was why I didn't want to take it up in the forum is because there is some factual data which unfortunately we have not compiled today. If you come to the office, we can share some factual data with you how mutual fund varies. I mean, compares with annuity. Amol has anyway shared 70% of it, 30% was that. So that's why I said if you could meet up, we can share that. So Amol, we can do a meeting with sir and we can explain that. Srinivas sir has a question. Sorry. Ashwin sir, still. Definitely Amol and Gautam would love to meet you guys. So let's plan it over one of these weekends. And thanks once again. Thanks for answering the call. Anytime. Srinivas, Amol, you want to take that question? Srinivas, sir, for senior citizen, what type of mutual fund will you recommend? Sir, thank you for coming for today for our webinar. Thank you, first of all. Senior citizen study, sir, upon दोन तीन options recommend करतो. एक तर लमसम जर पैसे आपल्याकडे असतील आणि जर FDs मध्ये पार्क असतील तर definitely systematic withdrawal plan is one thing which we can recommend. You put your money, park your money in a liquid fund. Charmini is a discuss केलं Mars mutual fund automated rebalancing system. त्याच्यामध्ये conservative plan is one thing which we can suggest. Where your equity exposure is not more than 30% and 70% you put your money in debt. Again, that switching is done based on the market fluctuations. So Mars is again one good option that we suggest for senior citizens to park their money. Systematic withdrawal plan can be recommended where you want a withdrawal every month, something to be some money to come back to you. त्याच्या आधी पण थोडस रिस्क प्रोफाइलिंग पण करणं गरजेचं आहे की आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट फर्स्ट राइट नाउ वी हैव लाइव केसेस वेयर इवन सीनियर सिटिझन्स वांट टू बी अग्रेसिव इन मार्केट्स जरी आपण रेकमेंड करतो थंब रूल नाही की बाबा इक्विटी पोर्शन कमी ठेवा बट देर आर सीनियर सिटिझन्स हू हॅव अ हायर रिस्क एपेटाइट अँड दे वॉन्ट टू स्टील इन्व्हेस्ट इन मार्केट सो based on your risk profile we can customize a solution for you but right now Mars I think is a good option and a systematic withdrawal plan is another thing. Gautam, anything you want to add to that? Yeah, just want to put that into perspective. First is understanding what is the need of the concerned senior citizen. Is it just to save amount and not take any money from that? Second is, or if they want something to come to them as a pension, whatever. And second thing is, yes, the risk profile. So I'm just repeating whatever Amol has probably put in, but I'm just trying to put the process. First is meeting the person, understanding what is the requirement, and then based on whatever their requirement is, we need to work on a plan, an investment plan for them. That's it. I hope we've answered all your questions.
So if you have any more further questions, we'll be more than glad. We are still here to answer all your questions. You can reach us on the number or the email address mentioned on your screen. Please make a note of that. You are a wonderful audience. We loved. Thank you so much, Joshi sir. You're a wonderful audience. Patiently, you listen to whatever we had to share with you on a Sunday morning. Please feel free to get in touch with us. Diwali is right around the corner, so happy Diwali to all of you from everyone here at Team Money Matters. And we'll keep on coming up with such informative, educative sessions for all of you in the future. Next week is a wonderful week, so let's enjoy our Diwali festival. And until next time, it's goodbye from Team Money Matters to all of you. Thank you so much. Thank you all. Yeah. Hold on. We still have a question before you leave. Right. Okay. Gautam, you want to take that? Yeah. So, it's currently the trend ki because the market is up, everyone has this fear. Second chamana dik bhiti hai, sabke man mein ek dar hai ki kya hoga, what will happen to my money if the money, if the market goes down. So, if you have that fear in your mind, balance advantage fund does the same thing what we were talking about. It automatically shifts your portfolio from equity to debt based on the market conditions. Now there are many balance advantage funds that have come in the market, and they are really managing the risk very well. Please understand, the focus of a balanced advantage fund is to manage your risk that you may, or the fear that you may have in your mind. So if you are targeting returns, managed advantage fund is not for you. If you are targeting, obviously returns is the job of a mutual fund, but returns also has good, great returns or moderate returns. So if you are looking, okay, theek hai, I want something which is better than FD, but I don't want the headache of looking at my returns at minus 30% or whatever, which has happened with mutual funds also in the past. Let me be very, very open and clear with you in the forum. There have been funds in the past which have gone minus 30-40% also. If that's the risk you don't want to take with your mutual fund investment, balanced advantage funds are the fund for you. They will definitely target giving you better returns than your FDs, and efficient returns. Taxation also is equity oriented. So that is also good for you. So that's how it is. So just to add to Gautam, definitely balanced advantage funds are good to go with a shorter horizon, say a 3 to 5 year horizon. But historical data, if you look at the historical data, I would be glad to share ki Mars has outperformed balanced advantage funds in the past 5 years. So the auto rebalancing system that we are talking about in this webinar, Mars is definitely a better way to go and approach than a balanced advantage fund, sir. Great. So before we end the session, I'm glad to announce that next week we are doing a webinar on our equity investment solution. This is an option that we designed at Money Matters, and we are executing it at Money Matters for all our clients. I'm glad to tell you, I have audited the returns that we've been able to generate we've been able to generate 45% returns. Yes, absolute 45% returns on that in the last 1 year. Next week is just to tell you the journey, how the whole thing started and how we are able to generate that 45 returns. So we have a showcase portfolio which we will be sharing with you. Nothing will be, we'll hide from you. We'll share all the data that is available for us to share with you. So looking forward to welcome all of you for the next week's webinar. Please mark your date next Sunday. I think it's the 7th of November. Is that correct? Yeah. Charmi? Yes, sir. Okay. So 7th of November, 11 o'clock in the morning. Please save your time. It's just a 20-minute webinar. Then rest is all your questions and we'll be answering them. So today was about mutual fund. Next week is all about direct equity investing. With that, thank you so much. Thank you so much. Yeah. Goodbye. Thank you. Goodbye.